एक्स्ट्रा टाइम। दो घंटाए डिलीवरी सुस्त हूँ तड़ाताड़ी कोनो ओषुध आर करबेन ना मिस ওষুধ চাই এক্ষুনি তো বা আপোলো 24/7 ডেলিভার করে আপনার পুরো প্রেসক্রিপশন মাত্র 2 ঘন্টা। ঈশান মারোয়া নীরজ চোপড়ার ফিটনেসের অন্যতম বড় কারণ এই মানুষটি। একসময় কুনুয়ের চোটের জন্য জ্যাভলিন ছেড়ে দিতে হতে পারত নীরজ চোপড়ার, এবং সেই জায়গা থেকে ফিরে এসে আজ পৃথিবীর এক নম্বর, ভারতকে এনে দিলেন সোনা। খুব স্বভাবতই ফিজিও ঈশান মারোয়া দারুণ খুশি, আজ যে তারও সাফল্যের দিন। ও স্ট্রাগল টাইম কেসে থা জব ইঞ্জুরি হুয়া অপারেশন হুয়া তো কেসে টাইম থা কিতনা বড়া ডিসিশন থা অপারেশন মে জানা স্যার তব তো বহুত এক মতলব সেটব্যাক কি তরহ হি থা বিকজ হাম তব বহুত অচ্ছি শেপ মে থে পর হামকো থা কি ইস বার জো নেক্সট সিজন কমিং সিজন থা ও বহুত অচ্ছা আয়েগা অর বহুত অচ্ছে রিজাল্টস ভি আয়েঙ্গে পর একদম সে ইয়ে ইঞ্জুরি হো গই देन सारा बात वगैरह करके वी कंसल्टेड सो मेनी डॉक्टर्स एंड एवरीवन देन फिर वी वेंट टू मुंबई मुंबई में वी मेट डॉक्टर पाजी वाला ही अश्योर्ड अस कि ऐसे ऐसे है और उन्होंने हमको प्रॉपर वे में समझाया कि हाउ इट विल गो एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द रिकवरी एंड देन वी डिस्कस एज अ टीम सिटिंग कि व्हाट नीड टू बी डन एंड देन नीरज सेड ओके लेट्स गो फॉर इट एंड जस्ट गेट द सर्जरी डन एंड स्टार्ट विद द रिहैबिलिटेशन एंड कम बैक। इतना खतरा था ये सर्जरी में? करियर थ्रेटनिंग सर्जरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्बो सर्जरीज में क्या होता है कि रेंज नहीं आती लास्ट में, द एक्सटेंशन इज लैगिंग, तो विदाउट एक्सटेंशन प्रॉपर वी कैन नॉट थ्रो, मतलब पूरा रेंज नहीं आएगा तो कैसे थ्रो होगा, तो वो सबसे बड़ा वो रिस्क था और वही हमने रिहैबिलिटेशन में वही सबसे पहला फोकस किया कि रेंज आए और फिर उसके बाद वापस स्ट्रेंथ आए, तो उसमें टाइम लगा, इट टुक टाइम बट कम बैक करना था अच्छा स्ट्रॉन्गर, तो नीरज सेट के प्रॉपर करेंगे सर, चाहे एक दो हफ्ते ज़्यादा भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तगड़ा कम बैक करना है, ऐसे नहीं कि बस मतलब कम थ्रो मारे हैं कुछ है, तगड़ा कम बैक करना, और वही हमने साउथ अफ्रीका में जब कंपटीशन किया और सीधा ओलंपिक वाले पे किया। आज का प्रिपरेशन कैसे था? आज का प्रिपरेशन मतलब रात को थोड़ा था, हम सब टेंस थे रूम पे बैठ के, रात में वी वर ट्राइंग टू लिसन सॉन्ग्स, थोड़ा सा काम डाउन टू हो जाए सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें था नर्वसनेस, नॉट नर्वसनेस मतलब दैट फीलिंग ना कि कल कंपटीशन है, तो वो एक होता है उसमें था। डाइट से लेके सब कुछ कैसे था? डाइट सो सर नॉर्मल, जैसे क्योंकि एज द कंपटीशन के पास आते हैं तो वी फोकस मोर ऑन द काफ्स, सो ही वॉज टेकिंग द काफ्स मॉर्निंग, जैसे नॉर्मल ब्रेकफास्ट था, वी हैड अ लाइट लंच एंड देन वी हैड अ स्नैक्स बिफोर वी लेफ्ट for the stadium, so around 5:30 we reached the stadium. अरे कौन सा गाना सुना आप लोग सुबह में? वैसे तो मुझे याद नहीं कौन सा गाना था, पर था स्लो म्यूजिक। अच्छा, इनिशियली पास चलाए थे एक दो, उसके बाद फिर स्लो म्यूजिक। किसका गाना सबसे पसंद है? नहीं, ऐसे नीरज का पंजाबी गाने ही सुनते हैं नीरज। अच्छा, और हिंदी बॉलीवुड? नहीं नहीं पंजाबी ज़्यादा, पंजाबी ज़्यादा, ज़्यादातर पंजाबी सुनते हैं क्योंकि जिम में भी वो थोड़ा सा रहता है। हाँ, इस वजह से, बाकी तो লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।